दोस्तों, क्या आप भी रेडमी को फ़ोन में फ्री फायर खेलना चाहते हैं? लेकिन उस गेम को खेलते वक्त एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है ऑटो बैक का। यानी कि जैसे ही आप अपने रेडमी को फ़ोन में फ्री फायर ओपन करते हैं खेलने के लिए, तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है और ऑटोमेटिक गेम कट जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ऑटो बैक प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। दोस्तों, अगर आप रेडमी को फ़ोन में फ्री फायर खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में। दोस्तों, मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपने Redmi को फ़ोन से हमेशा के लिए ऑटो बैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ्री फायर गेम खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लीन योर इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने इंटरनल स्टोरेज को खाली करना होगा। सबसे पहले हम आएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर जितने भी फोटोज़ या वीडियोज़ हैं हमें डिलीट करना होगा, या जो बहुत ज़रूरी हैं उनको हम फाइल में अपने SD कार्ड में रख सकते हैं, SD कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस स्टेप में यही करना है कि अपने फ़ोन स्टोरेज को खाली करना है, बिल्कुल खाली कर देना है। एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लीन योर रैम। दोस्तों, आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए, जो बहुत ज़रूरी ऐप हैं जैसे ईमो, व्हाट्सएप, इनको छोड़ करके। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ एप्लीकेशन जो ज़रूरत नहीं है उसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग के बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद से सी आल पर क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों, आपके सामने कुछ इतने एप्लीकेशन दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर गूगल शूटर जो कि एक गेम है, इसको नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों, अब नीचे आना है यहाँ पर जीमेल को। दोस्तों, जीमेल का भी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको डिजेबल कर देता हूँ। इसको डिजेबल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, इसको भी डिजेबल कर देना है। दोस्तों, इससे हमारा रैम थोड़ा सा कुछ खाली होगा ही, इसको भी, गूगल गो को भी डिजेबल कर देता हूँ। यहाँ पर फेसबुक लाइट, इसको भी अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद से मिंट ब्राउज़र को भी डिजेबल कर देना है। उसके बाद से बैक चले आना है। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब गो दिख रहा है ना, दोस्तों इसको भी डिजेबल कर देना है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा कुछ रैम खाली हो चुका होगा कुछ हद तक। तो दोस्तों, हम सिंपली हमको बैक आ जाना है। दोस्तों, हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3, रिस्टार्ट योर फ़ोन। दोस्तों, ये 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। दोस्तों, आपको सिंपली पावर बटन को दबाए रखना है, उसके बाद से रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर खुल जाएगा। दोस्तों, इसके 2-3 मिनट के बाद आप फ्री फायर खेलेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगा, लेग नहीं करेगा और ना ही आपका फ़ोन ऑटो बैक प्रॉब्लम दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।